नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आयुर्वेद आरोग्य औषधि चैनल के एक और नए एपिसोड में। दोस्तों, जिस तरह से हमारे देश में हार्ट पेशेंट्स की संख्या बढ़ रही है, खास करके युवाओं में, वो दिन दूर नहीं जब जल्द ही भारत को हार्ट डिजीज कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड के नाम से जाना जाएगा। आजकल तो दिल की बीमारी की वजह से अस्पताल में 25 से 35 वर्ष की आयु के और कभी कभी इससे भी छोटी उम्र के हार्ट पेशेंट्स का एडमिट होना अब एक आम बात है। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि ये जानलेवा बीमारी शुरू कैसे होती है? इस बीमारी की सबसे आम वजह है हाइपरटेंशन, जिसे आम भाषा में हाई बीपी कहा जाता है। इस हाई बीपी को दुनिया भर में एक साइलेंट किलर के रूप में भी जाना जाता है और जिससे दुनिया भर में आज करोड़ों लोग पीड़ित हैं। तो चलिए दोस्तों, आज हम इस हाइपरटेंशन की बीमारी, इसके पीछे के साइंस और इसके इलाज के बारे में थोड़ा और डिटेल में जानने की कोशिश करते हैं। लेकिन उससे पहले, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल आयुर्वेद आरोग्य औषधि को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करें और हमारी लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशंस को पाने के लिए बेल आइकन को भी दबाएं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों और फैमिली के साथ इसे शेयर और लाइक भी जरूर करें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, नॉर्मली जब भी आप थोड़ा अनकंफर्टेबल या बीमार महसूस करते हैं और आप किसी भी डॉक्टर के पास जाते हैं, तो डॉक्टर सबसे पहले आपका बीपी चेक करता है और तुरंत ही आपको बताता है कि आपका बीपी हाई है और आपको अगले हफ्ते फिर से उनके पास आना होगा ये चेक करने के लिए कि क्या आपका बीपी तब भी बढ़ा हुआ है या नहीं। दोस्तों, ऐसी सिचुएशन में कुछ लोग एक सेकंड ओपिनियन लेते हैं या फिर हम में से ज्यादातर लोग तो डॉक्टर गूगल का ही सहारा लेते हैं। हमें हर तरफ से बस एक ही इन्फॉर्मेशन मिलती है कि हाई बीपी हेल्थ के लिए कितना ज्यादा खतरनाक है, जिससे कि आपको हृदय रोग, डायबिटीज और किडनी संबंधी रोग हो सकते हैं। और फिर ये सब जानने के बाद आप और भी ज्यादा टेंशन में आ जाते हैं और जब आप एक हफ्ते के बाद डॉक्टर के पास चेकअप के लिए जाते हैं अपने टेंशन और चिंता से भरे मन के साथ, तो ऑटोमेटिकली आपका बीपी हाई आता है और फिर आपके बीपी को कंट्रोल करने के लिए दवाइयां शुरू की जाती हैं, जिनके जाल में आप जीवन भर के लिए फंस जाते हैं। दोस्तों, शायद आप में से ज्यादातर लोगों को ये नहीं पता है कि बीपी की दवा पर निर्भर होना बीपी होने से भी ज्यादा खतरनाक होता है। इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इस टेंशन भरे टाइम पे चेक किया गया बीपी शायद आपका सही और नॉर्मल बीपी ना हो। आपका बढ़ा हुआ बीपी किसी दूसरी बीमारी के कारण या फिर आपकी बॉडी में तब मौजूद किसी और लक्षण के कारण भी हो सकता है और इस टाइम पर उस रूट कॉज या असली कारण को जांचना चाहिए। लेकिन आपका डॉक्टर बड़ी ही आसानी से बिना किसी मूल कारण की जांच किए आपको हाई बीपी की दवा शुरू करने को कह देता है। दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं, हम सबकी बॉडी अलग होती है। जैसे कि एक ठंडे क्षेत्र में रहने वाले व्यक्ति का बीपी एक गर्म क्षेत्र में रहने वाले व्यक्ति की तुलना में कम होता है, दुनिया में हर व्यक्ति की हाइट, वेट, कलर, शारीरिक और मानसिक शक्ति, एनर्जी, उनका माहौल और क्लाइमेट अलग अलग होते हैं। फिर हम सबके लिए कैसे एक नॉर्मल या बेसलाइन बीपी का स्टैंडर्ड तय किया जा सकता है, जैसे कि हम सब एक दूसरे के क्लोन्स हों। दोस्तों, क्या यह आश्चर्य की बात नहीं है कि पुराने टाइम में बहुत सारे पुरुष और महिलाएं हाई, नॉर्मल या लो बीपी होने के बावजूद बिना किसी डॉक्टर की मदद से एक अच्छी और हेल्दी लाइफ जीते थे, आपसे और हमसे ज्यादा काम करते थे, लगभग हर फैमिली में 4, 6, 8 या उससे भी अधिक बच्चे होते थे। दोस्तों, इसीलिए ये बिल्कुल इलॉजिकल है कि हम सबका शरीर, उसकी अलग अलग क्वालिटीज और हमारी सिचुएशंस भी अलग अलग होने पर भी हम सबका नॉर्मल बीपी बस 120/80 ही होना चाहिए। दोस्तों, ये तो कुछ ऐसा ही है जैसे कि कोई सरकार भूख मिटाने की लिमिट फिक्स कर दे कि बस 3 रोटी से ही सबकी भूख मिट जाती है। चाहे फिर कोई 3 दिन से भूखा हो या किसी का पेट भरा हुआ हो, कोई बच्चा हो या बूढ़ा हो, एक स्पोर्ट्स पर्सन हो या किसी ऑफिस में बैठकर काम करने वाला इंसान हो, किसान हो या फिर कोई सेठ हो आदि, बस 3 रोटियां अलग अलग लोगों की भूख का मापदंड कैसे बन सकती हैं? दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि मेडिकली आज जो 120/80 बीपी का होना नॉर्मल माना जाता है, ये बेसलाइन पहले नहीं था। 1970s के दशक में ये बेसलाइन 160/95 थी। जरा सोचिए दोस्तों, क्यों ये नॉर्मल बीपी का स्टैंडर्ड पिछले 50 वर्षों में इतना नीचे आ गया है? दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि बीपी के स्केल पर बस 5 पॉइंट बीपी के नीचे आने का मतलब होता है अरबों डॉलर का मुनाफा? केवल अमेरिका में ही हाई बीपी के लिए करोड़ों लोग दवाइयों के जाल में फंसते जा रहे हैं। 20वीं शताब्दी की शुरुआत में डॉक्टर्स 100+ एज के नियम का पालन करते थे ये निर्धारित करने के लिए कि एक व्यक्ति की उम्र के लिए उनका नॉर्मल बीपी क्या होना चाहिए। लेकिन ये रूल स्वार्थी दवा कंपनियों के लिए नहीं काम करता,
और इसीलिए पिछले 50 वर्षों में इस बीपी के नॉर्मल वैल्यू में लगातार इतनी गिरावट आई है। दोस्तों इसीलिए अगली बार जब भी आप अपने डॉक्टर के पास जाएं, तो उनसे आप आपका सही और एक्यूरेट बीपी बताने के लिए कहें, क्योंकि किसी भी व्यक्ति के ब्लड प्रेशर में पूरे दिन और रात में बहुत उतार चढ़ाव आता है और इसके बहुत से कारण होते हैं, जैसे कि क्या आप कोई काम कर रहे हो, रिलैक्स्ड हो, एक्सरसाइज कर रहे हो, सोना, खाना, पढ़ाई करना, हंसना आदि। बस पूरे दिन में आपकी एक बीपी रीडिंग को आपका स्टैंडर्ड हाई या लो बीपी कैसे माना जा सकता है, खास करके अगर आपको कोई सर्जरी करवानी है जिसके स्ट्रेस या टेंशन की वजह से भी आपका बीपी ऊपर या नीचे हो सकता है। दोस्तों इसीलिए अगर आप अपना सही बीपी जानना चाहते हो तो आप घर पर ही एक 24 आवर बीपी चेक या एक दिन में समय समय पर एक बीपी मॉनिटर की मदद से अपना बीपी चेक करें और 24 घंटे के बाद खुद या एक डॉक्टर की मदद से उसका एवरेज निकालें और यही एवरेज आपका सही बीपी वैल्यू होगा, ना कि बस एक बार चेक किया हुआ बीपी। दोस्तों आप अपने इस तरह से चेक किए गए बीपी वैल्यूज को देखकर जरूर ही आश्चर्यचकित होंगे, क्योंकि ये जब आप आपके डॉक्टर के पास अपना बीपी चेक करवाते हैं कि औसत से बहुत कम और नॉर्मल होगा। इसीलिए दोस्तों हमने आपको शुरुआत में ही बताया था कि आपका डॉक्टर के पास रिकॉर्ड किया गया हाई बीपी शायद आपका सही और नॉर्मल बीपी बिल्कुल भी ना हो। सच्चाई तो ये है दोस्तों कि स्ट्रोक, हार्ट अटैक, किडनी फेल होना आदि के चांसेस तब होते हैं जब आपका बीपी कई वर्षों से लगातार हाई बना रहता है, कुछ दिनों या महीने के हाई बीपी होने से नहीं। ब्लड प्रेशर का साइंस। दोस्तों चलिए अब हम साइंस के माध्यम से ये समझने की कोशिश करते हैं कि लंबे समय तक हाई या लो बीपी रहना हमारे लिए खतरनाक क्यों है। हमारी पूरी बॉडी में लाखों छोटी छोटी कैपिलरीज या धमनियां होती हैं, जो हमारे शरीर के विभिन्न हिस्सों में ब्लड और ऑक्सीजन सप्लाई करती हैं। और जब भी हमारा नॉर्मल बीपी हाई हो जाता है तो ये छोटी कैपिलरीज इस हाई ब्लड प्रेशर को संभालने में असमर्थ होती हैं और हमारी बॉडी के उस हिस्से में ब्लड और ऑक्सीजन की सप्लाई कम या नहीं होने से खून के थक्के बन जाते हैं। इसी तरह से जब भी हमारा नॉर्मल बीपी लो हो जाता है तब भी इन छोटी कैपिलरीज को आवश्यक ब्लड और ऑक्सीजन नहीं मिलने से इनमें गड़बड़ी आ जाती है। इसीलिए संतुलन में बने रहने और एक स्वस्थ जीवन के लिए नॉर्मल बीपी का होना बहुत जरूरी होता है। और दोस्तों जब ये असंतुलन या लो या हाई बीपी कई वर्षों तक बना रहता है तो यही हमारे शरीर में बीमारियों का कारण बनता है, जिसका सीधा मतलब ये है कि एक दो बार हाई बीपी का होना बस कुछ ही कैपिलरीज को नुकसान पहुंचाता है, लेकिन लाखों ब्लड कैपिलरीज के डैमेज के कारण कई वर्षों के बाद हमें जानलेवा स्ट्रोक या हार्ट अटैक होता है। दोस्तों ब्लड कैपिलरीज में लो लेवल डैमेज को चेक करने के लिए आप एक डॉक्टर की मदद से अपनी आँखों और रेटिना की जाँच करवा सकते हैं, जिसमें आपकी आँखों में बहुत ही छोटे छोटे हेमरेजेस का होना लो लेवल डैमेज का संकेतक होता है। इसी तरह से अगर आपकी किडनी की छोटी ब्लड कैपिलरीज डैमेज हैं, तो ये आपके यूरिन में एक्स्ट्रा प्रोटीन के रूप में लीक होता है और ये भी हाई बीपी के कारण ब्लड कैपिलरीज को होने वाले लो लेवल डैमेज को दर्शाता है। दोस्तों जैसा कि अब आप जान चुके हैं कि अगर आप अपने शरीर में लो लेवल डैमेजेस का पता लगा लेते हैं आई स्कैन और यूरिन टेस्ट के माध्यम से, तो ये आपके लिए आने वाले समय में एक खतरे की घंटी है। लेकिन आप चिंता ना करें, क्योंकि इस शुरुआती लो लेवल डैमेज के टाइम पर आप किसी भी सीरियस कॉम्प्लिकेशन के विकसित होने से पहले ही अपनी जीवन शैली में सही बदलाव लाकर और प्राकृतिक दवाओं के साथ इस असंतुलन का इलाज कर सकते हैं। बस इस बात को याद रखें कि अगर आप में कोई लो लेवल डैमेजेस नहीं है तो एक या दो बार चेकअप में हाई बीपी आने पर अपने डॉक्टर के कहने पर झट से एलोपैथिक बीपी दवाओं को शुरू करने से बचें। दोस्तों आयुर्वेद के अनुसार जब भी आपका शरीर शुरू शुरू में किसी भी प्रकार के असंतुलन का संकेत दे तो सबसे पहले अपनी लाइफस्टाइल, आदतों, खानपान और एक्सरसाइज रूटीन पर फोकस करके उनमें सुधार करने की कोशिश करें, और अगर फिर भी ये कंट्रोल ना हो तो उन्हें नियंत्रित करने के लिए पहले नेचुरल या हर्बल बीपी दवाओं जैसे कि अर्जुना आदि ही लें, और अगर ये फिर भी कंट्रोल में ना आए तब ही एलोपैथिक दवाओं का सहारा लें, लेकिन कभी भी सबसे पहले केमिकल दवाओं का सहारा ना लें, क्योंकि एलोपैथिक दवाइयाँ आपकी कंडीशन को और भी खराब करके आपके शरीर के टेम्पररी डैमेज को परमानेंट बना देती हैं। दोस्तों हमारे आयुर्वेद में हाई बीपी को रक्त कफ वृद्धि के नाम से भी जाना जाता है, जो कि दो दोषों वात और पित्त में असंतुलन के कारण होता है। हाई बीपी के आयुर्वेदिक उपचार का उद्देश्य इन दो दोषों को संतुलित करना होता है और इस असंतुलन को बहुत ही प्रभावी घरेलू और हर्बल उपचारों द्वारा आसानी से ठीक किया जा सकता है। दोस्तों चलिए अब हम बीपी के लिए कुछ बहुत ही इफेक्टिव घरेलू उपचारों के बारे में जानने की कोशिश करते हैं,
जो कि न केवल बीपी को स्वाभाविक रूप से कम करने के लिए उपयोगी होते हैं, बल्कि ये हमारे तनाव को कम करने के लिए, हमारे पाचन और मेटाबॉलिक हेल्थ को बढ़ाने के लिए, इन्फ्लेमेशन को रोकने के लिए भी उपयोगी होते हैं, जो कि एथेरोस्क्लेरोसिस और कई अन्य बीमारियों का भी कारण बनते हैं। पहला, अपने भोजन में अधिक अल्कलाइन खाद्य पदार्थों को शामिल करें और एसिडिक खाद्य पदार्थों को कम खाएं। एज अ थंब रूल, जिन खाद्य पदार्थों में जूस नहीं होता है वो अल्कलाइन होते हैं, सिवाय आलू के जो न्यूट्रल होता है और नारियल पानी के जो जूस होने के बावजूद अल्कलाइन होता है। ज्यादातर मसाले भी अल्कलाइन होते हैं, लेकिन दोस्तों अर्जुना की छाल सबसे ज्यादा अल्कलाइन होती है। अर्जुना का शीरपाक, आप आधा चम्मच अर्जुना की छाल के पाउडर को एक कप पानी या दूध में मिलाकर इसे आधा रहने तक अच्छी तरह से उबालें और थोड़ा ठंडा होने के बाद इसमें स्वाद के लिए थोड़ा गुड़ मिलाएं और इस चाय को पिएं। दोस्तों अर्जुना हाई बीपी के इलाज में बहुत प्रभावी होता है और ये आपके हृदय की मांसपेशियों को मजबूत करके उसके ओवरऑल फंक्शन में भी सुधार करता है। इस बात का ध्यान रखें कि इसके बाद आधे घंटे तक आप कुछ भी खाएं या पिए नहीं। अन्य दिल की सेहत के लिए शक्तिशाली आयुर्वेदिक जड़ी बूटियां हैं अश्वगंधा, गोक्षुरा, सर्पगंधा, जटामासी, त्रिफला, अमलाकी और गुलकंद। दूसरा, आप 5 बेलपत्र या वुड एप्पल के पत्तों का पेस्ट बना लें और इसे एक कप पानी में मिलाकर आधा होने तक अच्छी तरह से उबालें, फिर इसमें स्वादानुसार गुड़ मिलाकर इसका सेवन करें। इसके नियमित इस्तेमाल से कुछ ही दिनों में आपका बीपी कम होने लगेगा और ये ब्लड शुगर के लेवल को भी नियंत्रित करता है। तीसरा, दोस्तों आप हर रोज खाली पेट आधा कप देसी गोमूत्र का भी सेवन कर सकते हैं, जो कि हाई या लो बीपी दोनों के साथ साथ डायबिटीज और कई अन्य बीमारियों को भी ठीक करता है। बस इस बात का ध्यान रखें कि गाय देसी हो और गर्भवती ना हो। चौथा, दोस्तों आप अपने पैरों को हल्के गर्म या गुनगुने पानी में कुछ देर भिगोएं और एक कप पानी में एक नींबू का रस मिलाकर पिएं। ऐसा करने से कुछ ही मिनटों में आपका हाई बीपी नीचे आ जाता है। पांचवा, दोस्तों अपने बीपी को नॉर्मल करने के लिए आप खाली पेट आधा कप या 250 ml लौकी के रस को थोड़े से पानी के साथ दिन में 2-3 बार पिएं। इसकी शक्ति को बढ़ाने के लिए आप इसमें 5-6 तुलसी के पत्ते, 5-6 पुदीने की पत्तियां और आधा टीस्पून काला या सेंधा नमक मिलाकर इसे हर रोज खाली पेट पिएं। आप इस कार्डियो प्रोटेक्टर टॉनिक को एक महीने तक यूज करने के बाद अपने बीपी में चेंज नोटिस करने लगेंगे। छठा, आप एक चम्मच मेथी के दानों को रात भर एक ग्लास गुनगुने पानी में भिगोकर रखें और अगली सुबह खाली पेट इसके पानी को पी लें और भिगोए हुए मेथी के दानों को खाएं। सातवां, आप 2 नीम के पत्तों और 5 तुलसी के पत्तियों का एक महीन पेस्ट बनाकर इसे एक ग्लास पानी में मिला लें और हर सुबह इसे खाली पेट पिए। अपने बीपी को नॉर्मल करने के लिए ऐसा 15 दिनों तक करें। आठवां, दोस्तों आप एक कच्चा लहसुन लें और इसे गोली की तरह रोजाना पानी के साथ निगल लें, ये भी कोलेस्ट्रॉल को कम करने में बहुत मदद करता है। नौवां, हर रोज एक हेल्दी हार्ट टी पिएं। इसके लिए आप 3 लहसुन की कलियों को कूट लें, इसे 10 मिनट के लिए छोड़ दें जिससे कि इसका एलिसिन कंपाउंड रिलीज हो सके, फिर इसमें एक कप गर्म पानी डालें और इसे 5 मिनट के लिए छोड़ दें। अब इसमें एक नींबू का रस और एक चम्मच शहद मिलाएं। दोस्तों एक हेल्दी हार्ट और अपने बढ़े हुए बीपी को कंट्रोल करने के लिए अपने नियमित कैफीन युक्त चाय के स्थान पर इस चाय को पिएं। दसवां, दिन में 2-4 इलायची चबाने से भी बीपी कम होता है और दिल की सेहत में भी सुधार होता है। ग्यारहवां, आंवले के जूस या मुरब्बे का नियमित सेवन भी हाई बीपी को नियंत्रित करने में सहायक होता है। बारहवां, दोस्तों इन जनरल एक शाकाहारी भोजन जिसमें प्याज, लहसुन, आंवला, ग्रीन टी, नींबू, शहद, पत्तेदार हरी सब्जियां और फल आदि शामिल हो को खाने से बीपी नॉर्मल रखना आसान होता है। तेरहवां, आप सुबह उठकर सबसे पहले और पूरे दिन गर्म या गुनगुना पानी ही पिए और अपने भोजन के 1 घंटे बाद तक पानी ना पिए। खाना पकाने में मूंगफली, सरसों, ऑलिव ऑयल आदि का ही उपयोग करें, लेकिन रिफाइंड ऑयल के इस्तेमाल से बचें। चौदहवां, हो सके तो अभी से टी, कॉफी, रिफाइंड ऑयल और रिफाइंड चीनी आदि का सेवन बंद कर दें। रेड मीट, अंडे और आयोडीन युक्त नमक को भी बंद कर दें जो एसिडिक होते हैं। इसी तरह धूम्रपान, शराब, तले हुए खाद्य पदार्थों, ठंडे पानी या कोल्ड ड्रिंक्स, नमकीन, अचार और जैम्स और जेलीज, केचप, सफेद गुड़ और अन्य जंक फूड और डिब्बाबंद खाद्य पदार्थों का भी कम से कम सेवन करें। दोस्तों इसके साथ साथ नॉर्मल बीपी के लिए इन कुछ जरूरी नियमों का भी पालन करें। पहला, नॉर्मल बीपी बनाए रखने के लिए व्यायाम। दोस्तों नॉर्मल बीपी और खास करके हाई बीपी या हाइपरटेंशन को कंट्रोल करने के लिए प्राणायाम और ध्यान या मेडिटेशन एक अहम भूमिका निभाते हैं। दोस्तों जैसा कि हम सब जानते हैं कि हाई बीपी की सबसे बड़ी वजह तनाव होता है, जिसे दूर करने के लिए आप हर दिन अनुलोम विलोम, कपालभाति, भ्रामरी और उज्जायी जैसे प्राणायामों को अपने बीपी को परमानेंट रूप से ठीक करने के लिए कर सकते हैं। नियमित ओम का जप करना भी बहुत फायदेमंद होता है।
रोज प्राणायाम करना 3 महीने के अंदर ही किसी भी प्रकार के बीपी को कंट्रोल करने में मदद करता है। दोस्तों, हर दिन कम से कम 5 मिनट गहरी सांस लें। गहरी सांस लेते वक्त अपनी छाती को ऊपर उठाएं, जितना संभव हो अपने फेफड़ों को अतिरिक्त ऑक्सीजन से भरें। इस स्थिति में जितनी देर तक हो सके अपनी सांस को रोक कर रखें और फिर धीरे धीरे सांस छोड़ें। दोस्तों, इसके साथ साथ कुछ व्यायाम और योग आसन जैसे कि शवासन, मयूर आसन, शीर्षासन, वीरभद्रासन, भुजंगासन और वज्रासन आदि भी हाई बीपी को कंट्रोल करने में मदद करते हैं। दूसरा, दोस्तों, साथ ही आप हर रोज 5 से 10 मिनट के लिए एक्यूप्रेशर तकनीक के माध्यम से अपने दोनों हाथों की मध्यमिका और छोटी उंगली के टिप्स पर दबाव डाल सकते हैं, जिससे भी हाई बीपी कम होता है। दोस्तों, हाई बीपी से लड़ने में सबसे जरूरी होता है एक डेली शेड्यूल या दिनचर्या का होना। जहाँ तक पॉसिबल हो, सोने से लेकर उठने, अपने खाने पीने, एक्सरसाइज और योग करने आदि हर एक चीज का समय निर्धारित करें। अपने शरीर के साथ साथ अपने मन को भी चिंता, भय और क्रोध आदि से दूर रखें। दोस्तों, आयुर्वेदिक उपचार प्राचीन काल से हमारे आहार का हिस्सा रहे हैं, लेकिन आजकल की मॉडर्न लाइफ में हम इन्हें भूलते जा रहे हैं। अपने आहार में इन सिंपल उपचारों को शामिल करने से प्रोसेस्ड और डिब्बाबंद खाद्य पदार्थों को कम करने, नियमित व्यायाम और प्राणायाम करने, शराब और सिगरेट जैसी चीजों से दूर रहने, तनाव को कम करने आदि से हाई बीपी के नियंत्रण में बहुत मदद मिलती है। बस आपको एक सचेत मन से प्रयास करना होगा। दोस्तों, आशा है कि अपनी अच्छी सेहत और बीपी को नियंत्रण में रखने के लिए आप आज के इस वीडियो में बताए गए नुस्खों को अपनी डेली लाइफ में जरूर शामिल करने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल आयुर्वेद आरोग्य औषधि को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब भी जरूर करें। आयुर्वेद आरोग्य औषधि चैनल से जुड़े रहने के लिए आपका धन्यवाद।